मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। तमाम दल लोकसभा के अंतिम दौर में इसे फिर से सियासी मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। एसटी हसन ने कहा है कि 80% हिंदुओं को जब आरक्षण मिल सकता है तो देश के मुसलमानों को क्यों नहीं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन कर मुसलमानों को आरक्षण मुहैया करवाएगी। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी पारा हर दिन हाई हो रहा है। बीजेपी से लेकर तमाम दल आरक्षण को लेकर एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की सीएम ने कहा था कि वो हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी और मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर रहेंगी। भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है इसको छीन करके वे वोट जिहाद करने वाले लोगों को देना चाहते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी आरक्षण की बात कही गई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि इस पर हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से भी ज्यादा बदतर है और आपको भी मालूम है जमीनी हकीकत भी यही है। अगर 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है। दरअसल बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के बाद ही सियासत तेज हो गई है और चुनाव पर इसका क्या असर हुआ है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। तो बहस में आगे बढ़े उससे पहले आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। शिवम त्यागी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम के नेता, कपिल श्रीवास्तव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आसिफ खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, आचार्य विक्रमादित्य हैं हिंदू धर्मगुरु हैं। लेकिन आज बहस के सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि वोट के लिए मुस्लिम आरक्षण ये बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। धर्म आधारित आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। बीजेपी के लिए जातीय जनगणना की काट है मुस्लिम आरक्षण, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है। मुस्लिम आरक्षण से छिन जाएगा हिंदू ओबीसी कोटा। क्या देश का मुसलमान महज वोट का समान है? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस। मैं शुरुआत कर रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी आप ही से। कपिल श्रीवास्तव जी, एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सांसद कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो मुस्लिमों को आरक्षण के लिए संविधान बदल देगी। देखिए, एसटी हसन साहब ने जो अपना बयान दिया है ये उनका व्यक्तिगत बयान, इस बयान पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इस बयान के साथ इंडिया गठबंधन का ही कोई लेना देना। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि संविधान की समझ सबको एक जैसी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के इस संविधान में आरक्षण में 2 अनुसूची है और उसके साथ साथ जो पिछड़ों का आरक्षण है वो 2 बातों पे दिया जाता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग समाहित होते हैं। तो हम तो एक बात को पूछना चाहते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर जो दिए गए आर्टिकल 15 और 16 हैं उसके विपरीत किस तरीके से ईडब्ल्यूएस के आधार पर मोदी जी ने आरक्षण दे करके दलितों, शोषितों और वंचितों और पिछड़ों का हक मारा है। मतलब आप उस ईडब्ल्यूएस के 10% कोटे की बात कर रहे हैं कपीश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। प्रत्युष जी, मैं सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस आर्टिकल के आपको खोजना चाह रहा हूं जिसमें इस आधार पर कोई आरक्षण प्राप्त होता हो। और अगर नहीं होता है तो आपको भी कहना पड़ेगा, हमको भी कहना पड़ेगा, नीति के जानकार हैं हम, इस वजह से हम कहना पड़ता है। मैं शिवम त्यागी आपके पास आ रहा हूं। शिवम त्यागी, एसटी हसन ने यह भी कहा है कि बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, वो आरक्षण देना ही नहीं चाहती।
2011 में प्रत्युष जी 73 ओबीसी जातियां जोड़ी गई पिछड़ा आयोग में, और पिछड़े में आते ही सबसे पहले उन 73 जातियों में से 65 जातियां मुस्लिमों की थी, 6 हिंदुओं की थी। 73 मुस्लिम जातियां जो कैटेगरी ए में जो 81 मुस्लिम जो ओबीसी जातियां हैं उसमें से 73 मुस्लिम हैं और 8 हिंदू हैं। ये ममता बनर्जी का सरकार में आते ही पहला ऑर्डर है, यानी कि सरकार में आते ही 71 जातियों को ओबीसी में डाला, उसमें से 65 मुस्लिम, और 81 जो ए कैटेगरी की ओबीसी जातियां थी उसमें से 73 मुस्लिम। यानी कि जिस प्रदेश में 100 में से 27 मुसलमान हैं, वहां पर अगर 100 आरक्षित सीटें हुई तो उन 100 में से 92 सीटें मुसलमानों को मिलेंगी। ये इस घमंडिया इंडिया अलायंस का एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि अभी तक तो राज्यों की सरकारों में है, तब देखिए आतंक कितना मचाया हुआ है, तब इनका दिल जो है मुसलमानों के लिए कितना धक धक करता है। लेकिन शिवम त्यागी जी लेकिन यहां पर तकनीकी पक्ष ये भी है कि साउथ के कई स्टेट हैं जहां पर मुसलमानों को, मतलब बड़ी आबादी को, वहां पर आरक्षण मिल रहा है और काफी पहले से मिल रहा है, और वो भी सर्वे के आधार पर मिल रहा है। पहली चीज वो आधार, उसका आधार बना मंडल कमीशन। दूसरी चीज, जब 2004 से 14 में UPA 1 UPA 2 में जो इनका पिछड़ा आयोग के चेयरमैन थे उनकी अनुशंसा पर बना भारतीय जनता पार्टी का, उसमें कोई आचार्य विक्रमादित्य थोड़ा सा 10 सेकंड तो दे दीजिए कम। नहीं नहीं, ये मतलब आपने उनको 1 मिनट दिया, मुझे आप 30 सेकंड में नहीं देना चाहते। 10 सेकंड शिवम त्यागी, चलिए 10 सेकंड फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। 10 सेकंड दे दीजिए, बस 10 सेकंड। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये घमंडिया अलायंस देश में सरकार में आने की भी सोचेगा तो इस देश के दलितों का, पिछड़ों का सारा आरक्षण लूटकर मुसलमानों को देगा, और हर राज्य में यही मॉडल चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोटा खत्म हो जाएगा ओबीसी का। कपीश जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद में आचार्य कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि दस प्रतिशत जो इन्होंने आरक्षण ईडब्ल्यूएस के आधार पर दिया है, ये दलितों और जो है पिछड़ों का इन्होंने आरक्षण लूट लिया है, ये स्वयं मान रहे हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल नहीं, करने का काम कर रहे हैं आप, भ्रमित करने का काम क्यों कर रहे हैं? जब मुसलमान के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर आरक्षण हो ही नहीं सकता है, तो जब सरकार को आपने ही सशक्त किया है कि वो घोषित करे कि कौन कौन ओबीसी। कपीश जी, आपने दो बातें कही शुरुआत में। आपने कहा कि एसटी हसन का निजी बयान है, पार्टी का इंडिया अलायंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने ये भी बात कही कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है नहीं। तो फिर सवाल ये है यहाँ पर आचार्य विक्रमादित्य, कि एसटी हसन क्यों कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम संविधान को बदल देंगे, संशोधन कर देंगे, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण मिलेगा? बरगला रहे हैं साहब, बरगला रहे हैं, और यही इस देश में होता रहा है। आजादी के बाद से बरगलाया गया है। मुझे बताइए, इस देश के अंदर आक्रांताओं का राज रहा, मुसलमानों की हिमायतियों का राज रहा 1000 साल तक। खूब अच्छे फले फूले, बढ़िया राज रहा, नवाबशाही रही, सब कुछ रहा, और उसके बाद भी आज मुसलमान उपेक्षित, अपने आप को उपेक्षित कहता है। आरक्षण पर जब सबसे पहले संविधान परिषद में बहस हुई तो इस बात पे हुई कि उनको लगा इस बात के अंदर कि इस देश के अंदर कुछ वर्ग ऐसे थे जो जाति व्यवस्था के नाम पर अगड़ों ने उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया, तब उनको आरक्षित करने का प्रयास किया। मुसलमानों को तो देश दे दिया एक पूरा, उसके बाद भी यहां पर इस देश को खाने का प्रयास किया जा रहा है, उस देश को लगातार खाया जा रहा है, खाए चले जा रहे हैं। कब तक खाओगे भाई इस देश को? इस देश के अंदर सब कुछ दिया, सम्मान दिया। मुझे बताइए, पूरे विश्व के आधे विश्व को अशांत कर रखा है, खा खा के अशांत कर रखा है, उसके बाद भी इस देश को अशांति की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हमको दे दो, क्या नहीं मिला इस देश के अंदर? तो कौन बरगला रहा है मुसलमानों को? कौन बरगला रहा है? इनके नेता जबरदस्ती फौज जो बना रखी है, हाजी खान जैसे यहां पर जो लोग उपस्थित हो जाते हैं, यहां पर मुझे बताइए, यहां पर ओबीसी जैसे लोग कह रहे हैं सब कुछ मिला देश के नागरिक है, भाई हमारे मुसलमान सब कुछ मिला, फिर क्यों आ रहे इनको कहां से आरक्षण के नाम पर वो कह रहे बरगलाया जा रहा है, कह रहे कुछ नेता जो बरगला रहे हैं। हाजी खान, देखिए पृथ्वी जी, बात को समझना और बात को कहना और जुबान दराज करना एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये कह कर दिया कि धर्म के नाम पर किसी भी को भी आरक्षण नहीं, तो एसटी हसन क्यों कह रहे हैं? अरे अब सुने, धर्म के नाम पे नहीं कह रही,
क्या कह रहे हैं फिर वो? सदर कमेटी की और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों की फिर चिल्लाने लगे, झूठ फिर चिल्लाने लगा, झूठ फिर चिल्लाने लगा, बेशऊरी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। आप फूफा बन के कब तक बैठे रहेंगे? फूफा तो थे अकबर आजम से, तुम्हारे फूफा थे तुम्हारे अकबर आजम, हमारे भी अधिकार है, उतना ही पढ़ने का अधिकार है, उतने ही हरे फूफा थे अकबर आजम तुम्हारे, जोधाबाई के फूफा थे तुम्हारे, हर जगह तुम्हारे साढ़े तीन सौ साल हम एक रहेंगे। ये जो लगातार मदरसों से पढ़ाई करवाई जा रही है, इस देश के नेता यहाँ बैठ के नेता साफ साफ जो आग लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग हिमायती बन जाते हैं, लोग इस देश के अंदर ऐसी पार्टी बना के बैठ जाते हैं जो पिछाड़ी पीट की कोई देश को खाने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश को अपने खाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार खा रहे हैं, लगातार खाया चला जा रहा है। कब तक इस देश को खाओगे भाई? इस देश को खा खा के तोड़ के आधा हिस्सा अलग कर दिया इस देश का आप लोगों ने, देश के पैसा ले गए, दानिश कुरैशी, क्या एसके हसन साहब जो कह रहे हैं उससे एआईएमआईएम इत्तेफाक रखती है? देखिए, सबसे पहले तो प्रत्युष, मेरी गुजारिश ये है कि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और मैं बोलूं तो बीच में इंटरप्ट ना करें, और अगर इंटरप्ट कर रहा हूं तो मैं खामोश हो जाऊं, ये सीधी बात रह गई। बात देखिए, एसटी हसन की बात हो चाहे जिसकी बात हो, पूरे इंडिया गठबंधन के विपक्ष में जो बैठा है वो हो या सत्ता पक्ष हो, मैं आप को ये बता दूं, एसटी हसन साहब की जो बात है मुझे लगता है वो आधी और अधूरी बात है। दरअसल एसटी हसन साहब को ये मांगना चाहिए कि आर्टिकल 341 में जो पाबंदी लगा रखी है सिर्फ आप उसको हटा दीजिए और देख लीजिए फिर परिस्थिति क्या होती है। मुझे ये बताइए, देश का एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल ऐसा है जिसको 341 कहते हैं, उसके अंदर में धर्म के आधार पर संशोधन है, और ये दोहरी बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष क्या करना चाह रहे हैं? एक बात समझिए, इस देश के अंदर कौन कह रहा है संविधान बदलो? मुझे साफ साफ डिबेट के अंदर दिखाई दे रहा है, लगातार ये हंगामा मचा रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बदल लिया जाएगा। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी के हैं, चाहे वो ओबीसी के हिमायती है, चाहे वो, इनका एक ही सिंगल लाइन एजेंडा है, ये बदल दो, 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 और छाती पीट कहते हैं कि संविधान बदलने को तैयार बैठे, खुद बदलने को तैयार बैठे, खुद इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, खुद इस देश में एक नियम बना, एक तरीका बना उस देश को चलाने का, उसके बाद जबरदस्ती उसके अंदर हर चीज को परिवर्तन, हर चीज को परिवर्तन, परिवर्तन कौन कर रहा है? परिवर्तन ये कर रहे हैं, पूरे देश को समझाना चाहिए इस देश में परिवर्तन के लिए दूसरों का हक खाने के लिए कौन बैठा है? दूसरों का हक खाने के लिए ये लोग बैठे। कपीश जी, क्या संविधान में कहीं लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? मैं तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि संविधान ये भी नहीं लिखा है कि ईडब्ल्यूएस के आधार पर आरक्षण दिया सकता है, और मोदी जी 2004 में अपनी जाति को ओबीसी कैटेगरी में लेके आकर के ओबीसी का ही तो हकमारी किए, आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? 80 जो इनको 400 पार सीटें चाहिए वो किस लिए चाहिए? इसीलिए चाहिए कि संविधान के आर्टिकल 15 और 16 पर गंभीर प्रहार किया जा सके, और कुछ ना करते हुए आरक्षण आप नहीं देंगे ना? आप मुझे कभी से आप नहीं देंगे ना मुसलमानों को आरक्षण? कपीश जी, आप नहीं देंगे ना? आप कबूल कर लीजिए, यहाँ पे आप मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे? आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे ना? मुझे बताइए, कपीश जी, प्रत्युष जी सामने लगाइए ना इनके सामने, ये साफ साफ बोल रहे हैं, मतलब कपीश जी यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे इस चैनल के ऊपर कि ये मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे? कपीश जी मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे ना? मुसलमान आप साफ साफ कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे ना? तो हम यही तो कह रहे हैं कि मत दो भाई, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर है ना कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा? देश का संविधान कब लागू हुआ? 10% जब ब्राह्मणों को दिया, उस पर भी रिपोर्ट की पूछे इनसे सवाल। शिवम त्यागी कपीश श्रीवास्तव हाजी खान बार बार वही कह रहे हैं कि आपने ईडब्ल्यूएस कोटे में जो 10% आरक्षण दिया उसका क्या? देखिए, एक ही चीज कहना चाहता हूं प्रत्युष जी, कितना दर्द है इनको। पहली बात तो ये कि इस देश में उसको संवैधानिक दर्जा मिल चुका है और वो पूरे देश में रोल आउट भी है, लेकिन बावजूद उसके और उस पर कोई क्लेम भी नहीं। प्लीज बीच में नहीं बोल रहा, इसका चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है।
प्रत्युष भाई इनके बीच में कोई बोला क्या? मुझे समझ में नहीं आता है, दंगा करने आ जाते हैं ये समाजवादी के प्रवक्ता, सुबह सुबह दंगा करने आते हैं क्या भाई? सड़कों पर किया करो, अब इनका काम सड़कों पर नहीं चलता तो अभी न्यूज चैनल्स पर आने लग गए। ए सुबह सुबह दंगा मत करिए, दंगा मत करिए सुबह सुबह समाजवादी के लोग, ये जहां भी जाते हैं दंगा करते हैं। आंख खुली नहीं दंगा चालू, आंख खुली नहीं दंगा चालू, अब इनको सड़क पे दंगा करने नहीं मिलता तो अब डिजिटल दंगा करने लग गए। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। प्रत्युष क्या डिबेट करानी है तो डिबेट करा, बोलिए बोलिए। शिवम त्यागी जी आवाज क्लियर जा रही है आपकी, आवाज क्लियर जा रही है। उनके समय में बोला क्या? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है, चाहे विषय बहुत साफ है, चाहे तेलंगाना में 4% हो, चैलेंज हुआ हुआ है, संविधान के आधार पर नहीं है। आपने सीधा सा सवाल पूछा था कपीश से कि भैया एक चीज बता दो, धर्म के आधार पर मिल सकता है क्या आरक्षण? ईडब्ल्यूएस धर्म के आधार पर है नहीं, पहली बात है, उसमें तो सभी लोग आते हैं। सवाल पर वो कोई जवाब नहीं दे पाए, उनको पता है धर्म के आधार पर नहीं मिलता। तेलंगाना में 4% दिया, कर्नाटक में दे दिया, अब जो है इसके अलावा आंध्र प्रदेश में तैयारी कर ली, इसके अलावा पश्चिम उसमें ऊंची जातियां भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, क्या वो हिंदू नहीं है? वो इसे ऐसे जोड़ रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आधार पर मिला है। जब इनको फुल फॉर्म पता ही नहीं है, इनको समझने की जरूरत है भाई। ईडब्ल्यूएस को समझ लेते, पढ़ लेते तो चीखा चिल्ली करने की अधिकार ना पड़ती। और एक चीज और, झूठ बनाओ, 10 सेकंड और हाजी खान साहब सुन तो लीजिए। आपने अभी ईडब्ल्यूएस कोटे का जिक्र किया, आपने कहा कि हिंदू ब्राह्मणों को वहां पर मिल रहा है, अरे वो आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। अरे साहब पहले, अरे साहब आप सवाल करने चाहिए, अरे साहब सवाल सुनने का वादा भी तो रखिए। एक सेकंड हाजी भाई एक सेकंड प्रत्युष उन्होंने कहा कि मुस्लिम धोबियों को आरक्षण नहीं मिलता, बिहार में आरक्षण मिल रहा है, कर्पूरी ठाकुर के जमाने से आरक्षण मिल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे 35 साल पहले देवगौड़ा ने दिया, क्या बात कर रहे हैं? 4.5% कर्नाटक में देवगौड़ा ने दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है उसने दिया है वहां मुसलमानों को। ये क्या जो पिछड़ा है हमारे देश का? ब्राह्मणों कोई अंत नहीं होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। चलिए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण को लेकर क्या कहा है। अब हिंदी वाले लोग कह रहे हैं कि बचे हुए भारत पर भी पहला अधिकार मुसलमान का है। मुस्लिम तुष्टीकरण स्पष्ट इन लोगों के एक्टिविटीज के द्वारा, इनके कार्यकलापों के द्वारा स्पष्ट दिखता है, तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी। कर्नाटक और हैदराबाद में 5%, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देकर पिछड़ी जातियों का आरक्षण कटौती करने का काम। Zee News।